Okay. तो दोस्तों ये है स्काईवॉक और इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है। अब हम वहां चलते हैं और वहां के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी ठीक और एकदम अच्छे होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल बढ़िया है और बस थोड़ा सा इधर देख रहे होंगे, सूज गया है, मतलब दांत में दर्द हो रहा था, तो बाकी सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रात को स्टे किया था मैंने एक होटल में, जो कि ये है, जो कि किसी ने मेरे लिए होटल करवाया था। फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ स्काई वॉक घूमने, तो बनी रहिए स्काई वॉक देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, कपड़े वगैरह पहनते हैं, अब निकलते हैं। तो फाइनल दोस्तों, तैयार हो गया मैं और अब निकलते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे भाई व्यू ये है भाई, यहाँ पर बालकनी और यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं भाई, पूरा एकदम खुला है, पहाड़ का व्यू देख सकते हैं। और कंचनजंगा ठीक यहाँ पर है। अभी आज पता नहीं क्या है कि किस्मत अच्छी नहीं है, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे सामने जहाँ पर मेरी उंगली की सीध में यहाँ पे कंचनजंगा है, आज बादल लगे हैं। और मैं आपको बताऊँ, रात को 9 बजे के टाइम पे मैं यहीं पे खड़ा था और यहाँ से देख रहा था, तो कंचनजंगा बिल्कुल साफ दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने लाइट जला के रख दिया है। मतलब कंचनजंगा के, जैसे कहने का मतलब ये कि कॉटन है और कॉटन के अंदर मतलब बल्ब लगाए होंगे तो वो चमक रहा होगा, कुछ इस टाइप का था। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अब निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं फ्रेश हो चुका हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो मैं भी स्काई वॉक घूमने जाता इसके हूँ। वक्त तो सामने से, अच्छा, सामने से ओ भैया तो चला गया। हाँ, वो कॉल आया हम था उनका, मुझे कॉल आया था, बोल रहे थे कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ और आप चले जाना, तो मैं साइकिल तो यहीं पे रख के जाऊँगा, ऐसे पैदल घूमने जाऊँगा, मतलब पैदल इसके वक्त जा पाएंगे उतना दूर? 2 किलोमीटर तो है। हाँ। तो भाई होटल में तो अभी कुछ भी बन के तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज रहा है, तो काफ़ी सारे काम होते हैं वहाँ पे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बना था और उन्होंने बोला थोड़ा सा वेट करना, बट मैं इतना सारा वेट नहीं कर सकता, धूप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ से हम खाते हैं कुछ और फिर इसके बाद निकलते हैं आगे के लिए, तो बने रहिए। सामने आपको पहाड़ पे दिखाई दे रहा होगा वो सब, ये रोप वे है और वहीं पे जाना है बस, थोड़ा सा ही है। और सच कहूँ तो यहाँ पे खड़ा हूँ मैं और यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब पहाड़ घूमता घूमता मैं आया हूँ, और वो भी साइकिल से। जैसे साइकिल चलाना भी पसंद नहीं था और कभी नहीं चलाता था मैं साइकिल, और ब्लॉग भी बना रहा हूँ ब्लॉग का वो भी नहीं आता था मुझे, मतलब सारे काम मैं अपने पैशन से हटके कर रहा हूँ। मेरा पैशन घूमना था, हालांकि ब्लॉग बनाना नहीं था, तो ब्लॉग तो अभी भी मुझे नहीं आता इतना अच्छे से बनाना, बट हाँ कोशिश करता हूँ थोड़ा सा दिखाने की। बस यार हम चल रहे हैं, रोड यहाँ की कुछ ठीक नहीं है, काम चल रहा है अभी तो इसमें, और ये ऊपर रोप वे है, तो आप रोप वे से भी आ सकते हैं। फिलहाल हम तो कहाँ ही आएंगे रोप वे से, आज पहली बार तो मुझे चलने का मौका मिला है, वरना दिन भर मैं साइकिल पे बैठे रहता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, पैरों में दर्द हो जाता है, मतलब। चलिए चलते हैं अब। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं, रोड वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, क्योंकि आपने अगर इतना सारा पैसा लगा के रोप वे बनाया है, ग्लास ब्रिज बनाया है, ये इंडिया का फर्स्ट स्काई ब्रिज है, ठीक है, तो एक बार इसको भी देख लेते तो शायद अच्छा होता। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की सरकार के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं बोला है अभी तक, हालांकि रोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आई होप कि ये रोड जल्दी बन जाएगी। यस, कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, मुझे उधर जाना है ग्लास ब्रिज में। सो दोस्तों हम चल रहे हैं और यही है भाई,
स्काई ब्रिज, और अभी इसके ऊपर हम चलेंगे। पहले हम चलते हैं ऊपर जो वो चिन रेजिंग बना है उसके स्टैचू को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जितना मुझे मालूम है, ज़्यादा कुछ तो आपको पता है कि हम भाई हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ मैं, तो ये तो बुद्धिस्ट प्रतिमा है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट जितना भी पता होगा ठीक पता होगा और वही बताऊंगा मैं। तो आ गए भाई, ये है कुछ इस तरीके का रास्ता। तो हम आ गए और वहाँ पे भाई आपको टिकट लेना पड़ता है। हालांकि टिकट आपको मैं बताऊँ 100 रुपीज़ का था। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, मैं वापस चला जाऊँगा, मुझे नहीं घूमना है, इतना इंटरेस्ट नहीं है। बहुत घूम लिया मैंने, गुम्पा वगैरह सब कुछ देख लिया है, वहाँ से भी दिख रहा है, पास जाके भी वैसा ही दिखेगा। और मेरे लिए तो आस्था आस्था होती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं गुम्पा के पास जाकर ही या फिर वो जो स्टैचू है उसके पास जाकर ही देखूं। मैंने दूर से देख लिया, प्रेयर कर दी, काफ़ी है। 100 रुपीज़ नहीं यार, काफ़ी हो जाता, मेरे लिए काफ़ी है। तो फ़िलहाल तो सर मान गए, बोले कोई बात नहीं ठीक है जाओ। तो चलिए चलते हैं, आई थिंक इधर से नहीं जाना है, इधर से जाना है। यहाँ पे आपको जो ये ग्लास ब्रिज है, स्काई वॉक बोलते हैं इसको, यहाँ पर चलने के लिए आपको अपना शूज़ खोलना पड़ेगा। शूज़ क्या, मैं तो अपना सॉक्स भी रिमूव कर देता हूँ, क्यों खाली वो करना है। वैसे भी वो बाबा ये गर्म भी तो बहुत सारा होगा, सच कहूँ तो ये गर्म भी बहुत ज़्यादा होगा। सो दोस्तों हम चलने जा रहे हैं अभी ग्लास ब्रिज पे, और इसका नाम है स्काई वॉक। और दोस्तों थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस में बना हुआ है, एक ऊंची सी पहाड़ी पे, आप देख रहे होंगे चारों तरफ भाई पहाड़ी पहाड़ है, और अभी हम वहाँ जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस ब्रिज के ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ ये इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज है, तो अच्छा लग रहा है। और टिकट मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ का 100 रुपीज़ टिकट है, और जो यहाँ के सिक्किज़ में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 20 रुपीज़ है, एंड अदर जो है उनके लिए 50 रुपीज़ है, बट टूरिस्टों के लिए 100 रुपीज़ है। हालांकि मेरा टिकट नहीं लगा, मतलब मुझसे टिकट नहीं लिया, धीरे बोलना चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब मेरा टिकट नहीं गया, वो उन्होंने थोड़ा सा वैसे वो कर दिया था कि कोई बात नहीं आप ट्रैवल करते हैं, तो कुछ इस तरीके का है भाई। आपको नीचे दिखाऊं, जब आप नीचे देखेंगे तो आपको डर लगने लगेगा, बट हालांकि मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, मैं नॉर्मली चल रहा हूँ। मेरी मम्मी बोल रही थी कि तू तो स्काई वॉक घूमने जा रहा है, वहाँ कैसे चलेगा, तो मम्मी कुछ नहीं होता यार, ये क्या है, इतना सा तो है, वैसे ज़्यादा ऊँचा भी नहीं है। तो ये लोग चल के आ रहे हैं और ये नीचे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो ये लोग इस तरीके से भाई डर रहे हैं, अभी तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, मुझे हंसी आ रही है। हालांकि नीचे देखने में थोड़ा सा डर लग रहा है, बट ऐसे नहीं लगेगा, आप अगर आराम से चलेंगे तो सामने देखकर चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप नॉर्मल चल रहे हैं, बट नीचे देखने में आपको लगेगा डर कि हाँ आप अभी गिर।
दोस्तों अब हम देखते हैं जो ये बड़ी सी प्रतिमा है दोस्तों, इसका नाम है चेनरेजिंग। और दोस्तों जो ये आपको प्रतिमा दिखाई है मैंने, ये दुनिया की सबसे ऊंची चेनरेजिंग की प्रतिमा है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 137 फुट, मतलब 42 मीटर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है मतलब चेनरेजिंग की। वैसे तो बहुत सारी प्रतिमाएं आपको पता ही है, कई ऊंची ऊंची हैं, और ये प्रतिमा वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है इतनी ऊंची, जो कि यहाँ पर सिक्किम के पीलिंग में है। कैसा लग रहा है यहाँ का व्यू, काफ़ी अच्छा है। और एक ऊंची पहाड़ी पे बना हुआ है तो चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। सो फाइनल दोस्तों हम पहुंच गए हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब चारों तरफ आपको बहुत ज़्यादा शांति दिखाई देगी। हालांकि अभी टूरिस्ट कम है, इस तरफ फूल वगैरह लगे हैं। चलिए चलते हैं। रण में इसके अंदर भी घूम के आया हूँ, और अंदर से आप ऐसे घूमते 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 गोल गोल आप वहाँ पहुँच जाएंगे उस प्रतिमा के ऊपर टॉप पर। और नीचे बहुत ज़्यादा शांति वाली जगह है, मतलब मैं तो अकेला ही था। सो काफ़ी जगह हमने घूम ली है, और अब चलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है और भूख भी लग गई है, तो चलिए पहले अपने जूते पहनते हैं फिर निकलते हैं। सो चलिए दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं, और मुझे अपनी साइकिल वगैरह लेनी है। और साइकिल का मैंने आपको बता दिया, मेरे गियर वगैरह पूरे तरीके से टूट गए हैं, तो मुझे साइकिल बनवानी है। और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, यूपी बिहार और फॉरनर्स वगैरह भी हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।